नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे, 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों ने शपथ भी ग्रहण कर लिया है। उसके बाद बात होती है कि जो नव निर्वाचित हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, वो भी शपथ ग्रहण और पद एवं गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं, लेकिन 5-7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह शपथ ग्रहण नहीं लिया था। बाद में सोमवार मंगलवार के अलावा बुधवार और बृहस्पतिवार को जाकर 2 लोगों ने शपथ ग्रहण लिया। 2 लोगों से तात्पर्य लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों से है, लेकिन अभी भी 5 लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली है। तो क्यों नहीं ली है, इसके पीछे क्या कारण है, वो कौन कौन से लोग हैं उनके सामने, वह कौन सी परिस्थितियां है, क्या वह उनके ऊपर कोई केस चल रहा है या कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उस मामले को लेकर वो लोग शपथ नहीं ले पाए हैं, क्या वो शपथ ले पाएंगे या शपथ नहीं लेंगे, तो क्या उन्हें लोकसभा के सदस्यों को जो वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे कि नहीं उठाएंगे, क्या इसके पूर्व जो जेल में बंद लोग थे, जो नवनिर्वाचित सांसद चुने गए थे, लोकसभा के सदस्य चुने गए थे या राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, क्या वह शपथ ग्रहण लिए हैं या नहीं लिए हैं। आज इस वीडियो सेशन में हम पूरे मामले पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए वीडियो की टाइटल को समझते हैं, 18वीं लोकसभा के लिए नव निर्वाचित 5 सांसद क्यों नहीं ले सके शपथ। खबर क्या है, 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत नव निर्वाचित सांसदों को 2 दिन सोमवार और मंगलवार को शपथ दिलाई गई, लेकिन 7 सांसदों ने शपथ नहीं ली। बहरहाल पश्चिम बंगाल की घाटन सीट से जीते दीपक अधिकारी को बुधवार को तथा जो केरल की तिरुवनंतपुरम सीट है या कांग्रेस की सीट मानी जाती है पारंपरिक, वहां से शशि थरूर चुनाव जीते थे, वह गुरुवार को जाकर अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले लिए। लेकिन अभी 5 ऐसे नव निर्वाचित लोकसभा के सदस्य हैं जो अभी शपथ नहीं लिए हैं। उनका नाम है अमृतपाल सिंह, इंजीनियर रशीद, शत्रुघ्न सिन्हा, शेख नूरुल इस्लाम और अफजाल अंसारी। क्या वे कब शपथ लेंगे या शपथ नहीं लेंगे, आइए इन पर बात कर लेते हैं। सांसद शपथ ग्रहण लिखकर पाए या शपथ ग्रहण किए, बात करते हैं। पहला नाम आता है अमृतपाल सिंह, पंजाब के खाडूर लोकसभा सीट से यह चुनाव जीते हैं। 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से यह चुनाव जीते हैं, लेकिन यह निर्दलीय उम्मीदवार थे। अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्य हुए हैं। 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA जो कानून होता है उसके तहत इनको बंद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, असम की डिब्रूगढ़ जेल में यह बंद हैं। क्या इन पर अपराध है, हालांकि शपथ ग्रहण के लिए अंतरिम जमानत पाने के लिए वो हकदार है, लेकिन NSA के तहत उन पर मुकदमा चल रहा है तो उन्हें जमानत के लिए विशेष अपील करनी होगी। इन्होंने विशेष अपील नहीं किया, विशेष अपील के बाद अगर इनको अनुमति मिलती है तो ये आकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और ये अपना शपथ ग्रहण कर सकेंगे। इंजीनियर रशीद का, जिनका पूरा नाम अब्दुल रशीद शेख है, कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आतंकवादी फंडिंग, आतंकवाद को पैसा देने के आरोप में इन पर UAPA कानून के तहत 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में इनको बंद कर दिया गया है। शपथ ग्रहण के लिए रशीद की ओर से अंतरिम जमानत की अर्जी दिल्ली के एक अदालत में दी गई थी, लेकिन अभी उनको इसकी छूट नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने NIA से इस बारे में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है, तो यह संभव है कि NIA जब उस कोर्ट को अपना जवाब दे देगा तो इनको विशेष छूट मिलेगी और जाकर यह अपना लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकेंगे। अगला नाम आता है अफजाल अंसारी, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से यह दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं, अर्थात लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय को लगभग 1.25 लाख वोटों से हराया है। बहरहाल यह शपथ ग्रहण समारोह में भाग तो लिए, लेकिन इनको शपथ ग्रहण नहीं होने दिया गया, अर्थात ये शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। क्या कारण है, आइए कारण को जानते हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे लेकिन शपथ नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि वर्ष 2023 में गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 वर्ष की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे, लेकिन राहत न मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। बहरहाल
सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है, 4 साल की इनकी जो सजा है उस पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन शर्त यह तय की गई है कि वो हाईकोर्ट के फैसले, जब तक फैसला न हो तब तक संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की जो सजा हुई है गैंगस्टर एक्ट के तहत जो इन पर आरोप दाखिल किया गया था उस पर रोक लगाया है, लेकिन कहा है कि जब तक हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला नहीं सुनाएगा तब तक यह संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। अगर उन्हें राहत मिलती है तभी वह शपथ लेंगे, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट उनको राहत देगा तभी वह जाके शपथ ग्रहण लेंगे, अन्यथा शपथ नहीं लेंगे। आता है शेख नूरुल इस्लाम, तृणमूल कांग्रेस के यह नवनिर्वाचित सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, कश्मीर पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे हैं, बताए हैं कि व्यक्तिगत व्यस्तता थी इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे हैं, जैसे ही वह सदन की कार्रवाई में भाग लेने जाएंगे वह शपथ ग्रहण वाला कार्य अपना पूरा कर लेंगे। अगला और अंतिम नाम आता है शत्रुघ्न सिन्हा का, ये भी आसनसोल पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और यह चुनाव जीत गए हैं और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अभी इनकी लड़की की शादी थी, उसी शादी समारोह में इनकी व्यस्तता के चलते यह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए और लोकसभा सदस्य के रूप में ये अपनी सदस्यता शपथ ग्रहण नहीं लिए हैं। बहरहाल यह जब कार्रवाई हो रही होगी, संसद का सत्र चलेगा, उसमें यह जाएंगे और शपथ ग्रहण कर लेंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। उठता है कि क्या, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जेल में रहते हुए कोई निर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। क्या आधार माना जाता है, हमने देखा है कि बिना सूचना के अगर कोई सदस्य, लोकसभा का सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाता है, इसी को आधार मानकर कोर्ट ने इन लोगों को क्या करता है, शपथ ग्रहण समारोह में जाकर अपना शपथ लेने की अनुमति देता है। आइए बात करते हैं, हमारा जो संविधान है उसके अनुसार अगर कोई सांसद 60 दिन तक संसद में उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है तो उसकी सीट रिक्त मान ली जाती है, इसी को आधार मानकर कोर्ट ने जेल में बंद हुए सांसदों को शपथ ग्रहण करने की इजाजत दी है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद थे, राज्यसभा के सांसद है, तो उनको विशेष अनुमति मिली और वह जाकर शपथ ग्रहण समारोह किए। वही अतुल कुमार सिंह, ये भी घोसी, उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे और इन पर रेप का मुकदमा चल रहा था, उसी में यह आरोपी थे और बंद थे, इनको भी विशेष छूट मिली और यह जाके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिए, अपना शपथ भी लिए। अब बात आती है कि क्या अगर कोई सांसद, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होता है और शपथ ग्रहण नहीं करता है तो क्या उसे वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती है? बिल्कुल, जिस दिन से वह चुनाव जीत जाता है उसी दिन से जो लोकसभा सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्ते और सुविधाएं हैं उनको प्राप्त होने लगती है। बहरहाल इनका शपथ ग्रहण लेने और न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रही वो बातें जो जाननी जरूरी थी, लोकसभा के जो नवनिर्वाचित 5 सांसद हैं वह किन किन परिस्थितियों में अपना शपथ ग्रहण नहीं कर पाए हैं, सब पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ले पाए हैं, उन कारणों को हमने जाना। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।